हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर सबसे ज्यादा परेशानी झेल रहे हैं। पलायन करने वाले मजदूरों ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि श्रमिकों को भेजे जाने की सभी कंडीशंस पूरी किए जाने के बावजूद उन्हें नहीं भेजा गया, जिसके बाद मजदूरों ने पैदल जाने का फैसला लिया। तावड़ू से जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार के आदेश पर प्रवासी मजदूरों को हरियाणा रोडवेज की बसों से भेजा जा रहा है। यही ध्यान में रखते हुए प्रवासी मजदूर राजस्थान हरियाणा के कई शहरों से आना चाह रहे हैं, लेकिन हरियाणा पुलिस ने मजदूरों को वापस वहीं भेज दिया जहां से वो आए थे, जिसके बाद प्रवासी मजदूर पुलिस नाकों से छिपकर सोहना में प्रवेश कर रहे हैं। वैसे आगे सर बिहार जाना है हमको, यहाँ पर कुछ सुविधा हमारे को नहीं है, बैठे हैं, काम धाम कुछ मेरे पास नहीं है, एक रुपया नहीं है जेब में, कोई मदद अभी नहीं है सर।